80 साल से प्लस हैं और जो 40% दिव्यांग हैं उनके लिए एक प्रक्रिया लाई गई है। बजरंग कुमार दुबे जी उनके पास आए हुए थे पर उन्होंने इसमें कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए रुचि नहीं दिखाई। दोनों जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी और जो निर्वाचन जिला अधिकारी हैं, वो सुबह से मतलब इधर से उधर कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में मैं कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और ना दूंगा। हम फिर से दुबे सर के पास आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उपस्थित नहीं रहते हैं और उनको फ़ोन लगाने पर वो फ़ोन को काट देते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पूरे शहर में आचार संहिता लागू कर दिया गया है और जो चुनाव आयोग है वो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए एक अपडेट आया था चुनाव से रिलेटेड कि जो मत है उससे रिलेटेड एक अपडेट है, ये है कि जो 80 साल से प्लस हैं और जो 40% दिव्यांग हैं उनके लिए एक प्रक्रिया लाई गई है, वोट फॉर होम। इसमें यह है कि जो 80 साल से जो ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं और जो 40% दिव्यांग हैं उनके लिए ये सुविधा दी जाएगी कि उनके घर पे ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा जिसमें वो जाकर वोट दे सकेंगे। वोट फॉर होम की जो प्रक्रिया है उसको और अच्छे से जानने के लिए और डिटेलिंग से जानने के लिए हम दुर्ग कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी जो है बजरंग कुमार दुबे जी उनके पास आए हुए थे पर उन्होंने इसमें कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी या जो रावटे सर हैं उनके पास जाए और जो डिटेल कुछ जो भी कुछ डिटेल हैं वो बता पाएंगे। पर जब हम जाते हैं रावटे सर के पास तो वो बोलते हैं कि वो दुबे सर के पास जाइए आप। पर जब दुबे सर के पास आते हैं तो उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई इस पे जवाब देने के लिए। और दोनों जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी और जो निर्वाचन जिला अधिकारी हैं, वो सुबह से मतलब इधर से उधर कर रहे हैं पर इस पे कोई भी प्रक्रिया में कोई भी जानकारी वो देना नहीं चाह रहे हैं। जब हम नोडल अधिकारी के पास जाते हैं, हम रावटे सर के पास, तो उनसे जब हम मांगते हैं कि इस पे कोई सर डिटेल दे दीजिए, डाटा दे दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस पे मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल डाटा नहीं है, उस प्रक्रिया में मैं कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और ना दूंगा। उसके बाद हम फिर से दुबे सर के पास आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उपस्थित नहीं रहते हैं और उनको फ़ोन लगाने पर वो फ़ोन को काट देते हैं। जिस तरह से चुनाव आने पर बहुत सारे पखवाड़े किए जाते हैं जागरूक मतदाताओं के लेकर, मतदान देने के लिए जिस तरह का जागरूक किया जाता है लोगों को, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस सब प्रक्रिया के लिए जो भी डिटेल था इन्हें देना चाहिए था, क्योंकि जनता तक ये चीज़ पहुँचती तो वो जागरूक हो पाते। प्लस जो ये जो बुज़ुर्ग हैं, जो 80 साल से जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और जो 40% दिव्यांग है, उनको कम से कम कुछ समझ में आता, पता चलता कि इस तरह की प्रक्रिया होने वाली है, शुरू हो रही है, क्योंकि उसके लेकर फॉर्म भी दिया जा रहा है। और एक डाटा है, जैसे कि रावटे सर बता रहे थे कि अभी तक कोई डाटा नहीं आया, पर पेपर में हमने पढ़ा था, एक डाटा आया था कि लगभग 22,000 से 23,000 लोगों का एक डाटा आया है कि इस तरह से 80 साल से जो ज़्यादा है और जो दिव्यांग है उनका एक डाटा है कि 22,000 से 23,000 लोग लगभग सामने आए हैं मतदाता सूची में। तो इनके लिए प्रक्रिया थी और सहमति पत्र भी देना होता, असहमति पत्र भी देना होता, ये सब सारी प्रक्रिया थी जो ये बता सकते थे। पर हमें डेढ़ दिन से लगभग ये घुमा रहे हैं, अभी तक कोई जानकारी इनके पास से नहीं मिल पाई है हमें। हम कोशिश कर रहे थे कि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके और जो मतदान है उसको लेकर लोग जागरूक हो सके और उनको इस प्रक्रिया के बारे में पता चल पाए, पर हम बातचीत नहीं कर पाए। हमारे पास जो जानकारी थी हमने वो आपके लिए लेके आया और आपको दिया, जो भी हम कुछ जाने समझे वो आप तक लेकर आए। इस प्रक्रिया को लेकर और भी अगर कुछ अपडेट आता है और चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है वो हम लगातार आपको केपी न्यूज़ में देते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरें हम आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे और मतदान से लेकर मतदाताओं के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मैं फैज़ान, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।